नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ये है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। पेश है अभी तक की पांच बड़ी खबरें। नवाज शरीफ तुर्कमेनिस्तान की यात्रा करेंगे। मनमोहन ने नोटबंदी को संगठित व कानूनी डाका करार दिया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि मोदी शासन अमानवीय। तेलंगाना में आलिशान गृह में मुख्यमंत्री का प्रवेश, विपक्ष बिफरा। शरीफ व सेना प्रमुखों ने भारत को सबक सिखाने का संकल्प लिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ तुर्कमेनिस्तान की दो दिनों की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। वे वहां अशगबाटा में सतत परिवहन पर शुक्रवार से शुरू हो रहे वैश्विक सम्मेलन में अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गुरुवार को कहा कि सरकार द्वारा की गई नोटबंदी एक संगठित लूट व कानूनी डाका का मामला है तथा चेतावनी दी कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था में 2% की कमी आएगी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने नोटबंदी के कारण नकदी को लेकर मचे बवाल और लोगों के घोर कष्ट को देखकर भी अंधा बने रहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को अमानवीय करार दिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने गुरुवार को अपने नए आधिकारिक आवास में प्रवेश किया। इसे पूरे देश में सबसे बड़ा मुख्यमंत्री आवास कहा जा रहा है। विपक्ष ने इसे लेकर मुख्यमंत्री की आलोचना की है। पाकिस्तान ने गुरुवार को भारत के खिलाफ दोषारोपण तेज कर दिया। सेवानिवृत्त होने जा रहे सेना प्रमुख राफेल शरीफ सहित सेना के अन्य अंगों के प्रमुखों ने धमकी दी कि यदि सीमा पर तनाव बढ़ा तो उसकी सशस्त्र सेनाएं भारत को सबक सिखाने में समर्थ है।